अस्सलामु अलैकुम अजीज़ तलबा, रहबर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है, खुश आमदीद है। शुरू करते हैं हम आज का लेसन मुरब्बे मसावा 2.6 लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 1 2.6 मश्क पर हो चुका है हमारा, जो इबारती सवालात है। अभी 2-3 लेसन जो है बच्चों इबारती सवालात पर आएंगे, क्योंकि मुरब्बे मसावात में इबारती सवालात ज़्यादा है। तो ये लेसन नंबर 2 है इबारती सवालात का। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का हमारा वीडियो 2.6 पर इबारती सवालात जो है। अगर अभी तक किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही नए वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों हमारा आज का वीडियो, जो मश्क 2.6 के सवाल नंबर 5 और 6 पर मबनी है। तो पहला पाँचवा सवाल देखिए, 4 तक हमने पढ़ चुका है, ये पांचवा सवाल है बच्चों कि सुफियान को रियाजी की पहली आजमाइश में हासिल करदा मार्क्स से दूसरे टेस्ट में। अब पहली आजमाइश को आप पहला टेस्ट समझिए, पहली आजमाइश मतलब पहला यूनिट टेस्ट और दूसरी आजमाइश मतलब दूसरा यूनिट टेस्ट। ये तो सुफियान को रियाजी की पहले यूनिट टेस्ट में हासिल करदा मार्क्स से दूसरे टेस्ट में 10 मार्क्स ज्यादा हासिल हुए। देखिए सवाल को समझ लीजिए कि सुफियान को पहले जो है पहले टेस्ट में पहली आजमाइश में जो मार्क्स मिले वो दूसरे टेस्ट में 10 मार्क्स ज्यादा मिले। जो भी पहले टेस्ट में मार्क्स मिले होंगे दूसरे टेस्ट में उस मार्क्स से 10 मार्क्स उनको उसको ज्यादा मिले। तो सुफियान को पहली आजमाइश में जो मार्क्स मिले वो दूसरे टेस्ट में पहली आजमाइश से 10 मार्क्स ज्यादा मिले, यानी पहले यूनिट टेस्ट में उसको जो भी मार्क्स मिले होंगे बच्चों दूसरे यूनिट टेस्ट में वो मार्क्स उस मार्क्स से 10 ज्यादा थे। दूसरी आजमाइश के मार्क्स, अब दूसरी आजमाइश के मार्क्स कितने हैं, 10 तो ज्यादा थे लेकिन कितने, पहली आजमाइश का दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना पहली आजमाइश के मार्क्स का मुरब्बा है। तो उसकी पहली आजमाइश के मार्क्स मालूम कीजिए। देखिए दो किस्मों के मार्क्स हैं यहाँ पर, एक तो पहले यूनिट टेस्ट के मार्क्स है और दूसरे यूनिट टेस्ट के मार्क्स है। अब यहाँ पर हमको जो फर्ज करना है, उसने बोला है कि उसकी पहली आजमाइश यानी पहले यूनिट टेस्ट के मार्क्स मालूम कीजिए। तो जो मालूम करने के लिए बोला बच्चों तो वही फर्ज करेंगे। तो हम फर्ज करेंगे यहाँ पर कि फर्ज किया सुफियान को पहले टेस्ट में एक्स मार्क्स मिले, पहली आजमाइश मतलब पहला टेस्ट। अब देखिए ये हमने फर्ज कर लिया, अब हमको जो चूंकि मसावात बनानी है तो हमको सवाल को अच्छे से समझना पड़ेगा। समझने के बाद सवाल को क्रैक करना है, इसको क्रैक करना बोलते हैं। तो उसको क्रैक करके हम यहाँ पर क्या क्या चाहिए वो लिखेंगे और मसावात बनाएंगे। तो सुफियान को रियाजी की पहली आजमाइश में हासिल करदा मार्क्स यानी एक्स मार्क्स दूसरे टेस्ट में 10 मार्क्स ज्यादा मिले। तो दूसरे टेस्ट में कितने मिलेंगे बच्चे बताओ तो मुझको, पहली आजमाइश में हासिल करदा मार्क्स से दूसरे टेस्ट में 10 मार्क्स ज्यादा हासिल हुए। तो अब पहली आजमाइश में हमको एक्स मार्क्स हासिल हुए तो दूसरी आजमाइश में कितने मार्क्स हासिल हुएंगे आप बता सकते हैं, दूसरे टेस्ट में उसको जो मार्क्स हासिल होंगे पहले टेस्ट से 10 मार्क्स ज्यादा। तो हम लिख सकते हैं कि सुफियान को दूसरे टेस्ट में एक्स जमा 10 मार्क्स मिले, यानी पहले में उसको एक्स मिले तो दूसरे में उसको पहले टेस्ट से 10 मार्क्स ज्यादा मिले, तो एक्स जमा 10। उम्मीद करता हूँ ये जो निकाला हमने समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे सवाल पढ़ोगे, दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना, दूसरी आजमाइश में कौन सा मतलब दूसरे टेस्ट में, तो वो मार्क्स कौन से है, एक्स जमा 10 है बच्चों। हाँ, दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना, दूसरी आजमाइश में एक्स जमा 10 मार्क्स मिले उसको, पहली आजमाइश के मार्क्स का मुरब्बा है। यानी ये जो आजमाइश के टेस्ट है, यानी दूसरे टेस्ट में बोलूंगा, आजमाइश अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो दूसरे टेस्ट में जो मार्क्स मिले वो पहले टेस्ट का मुरब्बा है। और कौन सा, दूसरे टेस्ट का मार्क्स जो का 5 गुना, दूसरे टेस्ट के मार्क्स का 5 गुना, यानी इसका 5 गुना पहली आजमाइश यानी पहले टेस्ट के मार्क्स का मुरब्बा है। और पहले टेस्ट कौन सा है, के मार्क्स कौन से है, एक्स है, पहले टेस्ट के मार्क्स एक्स है ना, यहां पर हमको समझ में आ गया है। तो ये पहले टेस्ट के मार्क्स है और ये दूसरे टेस्ट के मार्क्स है। तो चलिए अब मसावात बनाते हैं बच्चों, मैं इसको वापस से पढ़ता हूं, दूसरी आजमाइश के मार्क्स यानी दूसरे टेस्ट के मार्क्स का 5 गुना, तो इसका 5 गुना, यही दूसरा टेस्ट है ना हमारे, यही इसका मार्क्स है। तो हम लिखेंगे 5 ज़रब x जमा 10, यानी 5 गुना यानी शर्त के मुताबिक, देखिए 5 ज़रब x जमा 10
समझ में आ गया। दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना, तो दूसरी आजमाइश के मार्क्स जो है वो दूसरे टेस्ट के मार्क्स एक जमा 10 है उसका 5 गुना। ये कैसा है, पहली आजमाइश यानी पहले टेस्ट के मार्क्स का मुरब्बा है, तो पहले टेस्ट के मार्क्स कौन से है बच्चे, पहले टेस्ट के मार्क्स एक्स है तो उसका मुरब्बा तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि ये मसावात मैंने किस तरह बनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, इसको इससे जरब करेंगे और इसको इससे जरब करेंगे। पहले 5 जो है वो x को जरब करेगा बच्चों और 10 भी जो है 5 को जरब करेगा, तो हमारे पास जरब करने के बाद जो मिलेगा बच्चों वो रहेगा, देखो आपको मालूम है। हाँ तो बच्चों मार्क्स करने जरब करने के बाद, जरब करने के बाद जो हमको मिला है 5x 5 दाम 50 और 100 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे ना बच्चों, ये जो है एक्स स्क्वायर इसको म्यारी सूरत में लिखना, ये मुरब्बे मसावात बन चुकी है बच्चों, इसको म्यारी सूरत में कैसे लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर आएगा उसके बाद 5x आएगा उसके बाद 50 आएगा, तो एक्स स्क्वायर तो कभी मनफी में नहीं रहता। अगर मैं एक्स स्क्वायर को इधर लाता हूं तो बच्चों तो मजबत में, इधर आया तो मनफी में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर मनफी में नहीं, एक्स स्क्वायर को इधर ही रखिए और 5x इधर ले जाइए 50 इधर ले जाइए, तो मसावत बनेंगी बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 5x, क्योंकि ये प्लस था इधर माइनस हो गया, ये प्लस था इधर माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये मैंने सही तरीके से मतलब म्यारी सूरत में मसावत को लिख लिया, तो ये मसावत बन चुकी है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको याद रखिए, इबारती सवालात में मसावत बनाना ही मेन है, अगर आपको मसावत बनाते आ गई तो आप आसानी से मुरब्बे मसावत हल कर सकते हैं। सुफियान के दूसरे टेस्ट के 5 गुना, तो ये 5 गुना पहले आजमाइश के मार्क्स का मुरब्बा है, तो पहले आजमाइश के मार्क्स जो एक्स थे उसका मुरब्बा, ये मसावत बनी। चलिए म्यारी सूरत में लिख चुके हमने उसको, अब 50 की हम अज्जाय दरबी निकालेंगे, तो माइनस 50 की अज्जाय दरबी देखिए किस तरह निकालेंगे, तो आपको 10 पंजे 50। अब 10 पंजे 50 क्यों लिया मैंने, 25 दुनी 50 क्यों नहीं लिया बच्चों, क्योंकि 25 दुनी 50 में अगर जमा भी करूँ तो 27 होगा, नफी भी करूँ तो 23 आएगा, तो हमको यहाँ तो दरमियानी रुकना 5 चाहिए, इसलिए 10 पंजे 50, यानी 10 में से 5 गया तो 5। अब यहां पर मुझे जो है दरमियानी रुकने में माइनस लगा है, तो बड़े आदत के साथ हमेशा माइनस लगा दीजिए, जब भी दरमियानी रुकने में माइनस रहेगा, बड़ा आदत अज्जाय दरबी का जो रहेगा उसमें माइनस रहेगा, और छोटा भी यहां माइनस चाहिए तो छोटे में साथ प्लस लगा दीजिए। तो हमारे पास ये 2 अज्जाय दरबी आगे रुकन आ चुके हैं, अब यहां पर ये दरमियानी रुकनों को यहां से निकालना है और उसकी जगह 10 और 5 रखना है, तो रखते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 10x जमा 5x नफी 50 बराबर 0। जोड़ी बनाएंगे बच्चों, यहां से ये एक जोड़ी बनेगी, ये एक जोड़ी बनेगी, ये जोड़ी बना लिए। अब देखिए इसमें एक मुश्तरिक निकालना है हमको, तो इन दोनों में मुश्तरिक जो है वो एक्स है, तो एक्स निकालता हूँ, तो देखिए एक्स निकला, एक एक्स अंदर बचा और यहाँ से एक्स निकला मुश्तरिक, तो ये 10 बचा, यहाँ से एक्स कॉमन निकाल लिए तो एक्स माइनस 10, और यहाँ से 5 कॉमन निकला, यहाँ से एक्स बचा, तो 5 दहम 50 होता है इसलिए अंदर 10 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स बचा और यहाँ 10 बचेगा क्योंकि 5 बाहर निकला, तो 5 दहम 50 होता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों किस तरह कॉमन निकालना ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें से और कॉमन निकालना है, मतलब मुश्तरक निकालना है, यानी दोनों कॉस जो एक जैसे है उनको एक बार लिखना है और जो बचेगा 1 जमा 5 उसको लिखना है, तो हम लिख लेते हैं एक्स नफी 10 और 1 जमा 5 बराबर 0। अब यहां पर जो 2 कॉस मिले हमको, ये दोनों कॉसों के अरकान जो हमको अलग अलग करना है, तो एक्स नफी 10 भी 0 के बराबर है और 1 जमा 5 भी 0 के बराबर है, तो हम लिख लेते हैं एक्स नफी 10 बराबर 0 या एक्स जमा 5 बराबर 0, ये लिख लिया हमने। नफी 10 को इधर लेके जाएंगे तो जमा 10 हो जाएगा, जमा 5 को इधर ले जाएंगे तो नफी 5 हो जाएगा, तो एक्स बराबर 10 और एक्स बराबर नफी 5। अब देखिए बात बच्चों, मार्क्स जो है उसने मनफी में नहीं हो सकते कभी, क्योंकि यहाँ पर मार्क्स मनफी में नहीं दिए है, यानी मजबत है, तो एक्स बराबर 10 यहाँ पर लेंगे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर नफी 5 जो है वो नामुमकिन है, इसलिए एक्स बराबर 10। तो अब हमारे पास आ गए कि हमको उसने मालूम करने बोला था, तो सुफियान को पहले आजमाइश के मार्क्स मालूम कीजिए, यानी पहले टेस्ट के मार्क्स मालूम कीजिए, तो हम जवाब लिख लेंगे यहाँ पर, सुफियान को पहले टेस्ट में 10 मार्क्स हासिल हुए। तो ये सवाल था बच्चों, बस ये जो मसावात किस तरह बनानी है ये याद रखिए, 5 गुना हासिल करता दूसरे टेस्ट के मार्क्स का मुरब्बा है पहले टेस्ट के मार्क्स के, ये मसावात अगर आपने बना लिया तो उसके बाद म्यारी सूरत में लिखने के बाद आप मसावात को बआसानी हल कर सकते हैं। ये अगला सवाल है हमारा बच्चों, मोहतरम कासिम साहब स्टार मार्क का क्वेश्चन है। मोहतरम कासिम साहब मिट्टी के बर्तन बनाने के घरेली सनत के मालिक है,
वो हर रोज मखसूस तादाद में बर्तन तैयार करते हैं। हर बर्तन बनाने की लागत, लागत मतलब कीमत, जितना पैसा उसको बनाने के लिए लगा, बनाए गए बर्तन की तादाद के 10 गुना से 40 रुपये ज़्यादा होती है। यानी जो भी बर्तन बनाते हैं वो चाहे कितने भी बर्तन बनाए, एक बर्तन की जो लागत है बनाने की वो है बर्तन की तादाद, यानी जो बर्तन की तादाद है उससे 10 गुना से 40 रुपये ज़्यादा है। अगर एक दिन के बर्तन बनाने की लागत 600 रुपये हो तो हर बर्तन बनाने की लागत और एक दिन में बनाए गए बर्तनों की तादाद मालूम कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हर बर्तन के बनाने की लागत तो दी गई है, कैसी है कि बर्तन के तादाद के 10 गुना, बर्तन के तादाद के 10 गुना। तो बर्तन की तादाद कितनी है बच्चों? नहीं है, हमारे पास है ही नहीं बर्तन की तादाद। तो जो नहीं है उसको क्या करते हैं, हम फर्ज करते हैं। अगर बर्तन की तादाद आ जाती तो हम बता सकते हैं कि लागत कितनी होगी। सबसे पहले बर्तन की तादाद फर्ज करते हैं। फर्ज किया एक दिन में बनाए गए बर्तनों की तादाद एक्स है। अब देखिए इतना फर्ज करने के बाद आपको मसावात में दूसरी क्या चीज लिखना है, जो आपने लिखे कि हर बर्तन के बनाने की लागत, तो ये कैसी होगी? बोला है बनाए गए बर्तनों की तादाद, ये तादाद ये आ गई x के 10 गुना, यानी 10 x से 40 रुपये ज्यादा है, मतलब जमा 40। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बता रहा हूँ? हर बर्तन के बनाने की लागत, इन्हें लागत निकालना है हमको, तो मैं लिखता हूँ हर बर्तन बनाने की लागत। अब देखिए ये लागत कैसी है, बनाए गए बर्तन के तादाद का 10 गुना, बनाए गए बर्तन कितने हैं, एक्स है, ये हमने फर्ज किया है अभी, इसका 10 गुना यानी 10 एक्स से 40 रुपये ज़्यादा है, यानी जमा 40। तो आप लिख लेंगे 10x जमा 40। उम्मीद करता हूँ बच्चों मैंने बहुत आसानी से आपको समझाया है कि आपको ये लिखना कैसे है। अब देखिए इसकी मसावात किस तरह बनेगी, अब याद रखिए। अब फर्ज करो एक शख्स है, वो दिन में 3 बर्तन बनाता है, अच्छे समझ लीजिए, एक शख्स है दिन में 3 बर्तन बनाता है और एक बर्तन बनाने के लिए उसको लगता है जो भी 20 रुपया, फर्ज कीजिए एक बर्तन बनाने के लिए उसको 20 रुपये लगता है, तो 3 बर्तन बनाने के लिए कितने रुपये लगेंगे, ये आप कैसे मालूम करेंगे? आप जाहिर सी बात है 3 को 20 से ज़रब करेंगे। देखिए मैं लिख लेता हूँ उसको, पहले फर्ज कीजिए 3 ज़रब 20, यानी ये क्या है, बर्तनों की तादाद है और ये उसकी लागत है, यानी उसकी कीमत जो बर्तन बनाने के लिए, एक बर्तन बनाने के लिए 20 रुपये लग रहा है, तो 3 बर्तन बनाने के लिए कितने लगेगा, 60 रुपया। समझ में आ गया बच्चों? तो ये जो 3 क्या था, ये बर्तनों की तादाद थी और ये क्या था, बर्तन की लागत थी। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, देखिए बाहर बर्तन बनाने की लागत 20, बर्तनों की तादाद 3 = 60, ये एग्जांपल लिया था मैंने। अब इसको हटा देता हूं जरा सा मैं, चलिए तो अब देखिए बर्तनों की तादाद यानी x, बर्तन बनाने की लागत यानी 10x + 4, तो ये जो हर एक दिन के बर्तन बनाने की लागत 600 रुपये ये हमको दी गई है, तो बराबर 600 रुपया। उम्मीद करता हूँ बच्चों मैंने जो समझाया आपको समझ में आ गया होगा कि बर्तनों की तादाद जरा बर्तन बनाने की लागत उसने दिया है 600 रुपये होती है। तो अब यहाँ पर बर्तनों की तादाद की जगह x लिखेंगे और इसकी जगह 10x + 40 लिखेंगे, बराबर 600। ये मसावत बनी बच्चों आसानी से, है ना। तो वो जो एग्जाम्पल जो मैंने बताया था, जैसे 3 बर्तन बनते हैं 20 रुपये लगते हैं तो पूरी 60 रुपये लगे, तो यहाँ पर जो बर्तन बने वो x बने और बर्तन बनाने के लिए जो पैसे लगे वो 10x + 40 लगे, तो दोनों की ज़र्ब किए तो 600 रुपये उसने हमको दिया था। समझ में आ गया होगा। अब ये 10 को इससे ज़र्ब करेंगे तो 10x² और ये 10 40x = 600, 600 को इधर लेकर आ जाइए, नफी में आ जाएगा, 10 से तकसीम कर देता है, चलिए ठीक है 10 से तकसीम कर दीजिए, तो 100² + 4x = 60, या इधर लाने के बाद भी तकसीम कर सकते थे आप, तो यहाँ पर 10 से तकसीम कर दिया, क्योंकि मुख्तसर करना है, जितने मसावात अगर आपको आती है तो उसको मुख्तसर करने के पहले देखिए मुख्तसर होती है क्या। देखिए ये 10 से तकसीम होता है, ये भी 10 से तकसीम होता है, ये भी 10 से तकसीम होता है, तो 10 से तकसीम करने पर तो यहाँ 100² बचेगा, या 10 * 40 तो 4x बचेगा, और एक 10 से तकसीम करेंगे तो 60 आएगा यहाँ पर, तो ये हमारे पास मसावत आ गई। 60 को इधर लेकर आइए बच्चों, तो माइनस में हो जाएगा 100² + 4x = 60 = 0। अब ये मुरब्बई मसावत बन चुकी है, अब इसको हमको हल करना है, यानी नफी 60 के आपको अज्जाए जरबे निकालना है, तो नफी 60 के अब अज्जाए जरबे कैसे निकालेंगे बच्चों, जिसकी जमा नफी 4 चाहिए हमको, बताइए आप 4 चाहिए, 2 ऐसे अज्जाए जरबे निकालिए जिनमें से जमा या नफी करे तो 4 बचना चाहिए, तो आपने निकाल लिया 10 × 60, वेरी गुड, क्योंकि 10 में से 6 गए तो 4 यहाँ पर हमको हासिल होते हैं बच्चों।
दरमियानी रुकना हासिल हो गया। अब देखिए यहाँ दरमियानी रुकनों में क्या है, जमा है तो बड़े अदद के साथ जमा लगाएंगे, छोटे के साथ नफी लगाएंगे। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब दरमियानी रुकन हटाइए, उसकी जगह 10 और 6 रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर जमा 10 एक्स नफी 6 एक्स नफी 60 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दो जोड़ी बनाना है, जैसे हर मसावत में करते आए हमने, यहाँ पर ये दो जोड़ी बन गई। इसमें से मुश्तरक निकालिए एक्स, तो बचेंगे यहाँ पर एक्स जमा 10, एक्स बाहर आ गया। इस अब जैसा पहला कॉस आया वैसे दूसरा कॉस लिख दीजिए। देखिए मैंने आपको ये तरीका बताया है, अगर आपको समझ नहीं रहा है तो दूसरा कॉस भी वैसे लिख देंगे, या फिर यहाँ से 6 कॉमन निकालें, ये एक्स बचा, यहाँ से 6 निकलेगा तो 10 बचेगा, क्योंकि 6 दहम 60 होता है, इसलिए 10 बचा अंदर। उम्मीद करता हूँ ये जो कॉमन निकालना ये आपको समझ गया होगा बच्चों आसानी से। अब एक्स जमा 10 एक्स जमा 10 एक्स बार लिखिए, और एक्स जमा नफी 6 दूसरे कॉस में लिखिए बराबर 0। दोनों कॉस को अलग कीजिए बच्चों, तो एक्स जमा 10 बराबर 0 या एक्स नफी 6 बराबर 0। जमा 10 उधर जाएगा तो नफी 6 हो जाएगा, और नफी 6 उधर जाएगा तो जमा 6 हो जाएगा, और तादाद बर्तनों की कभी यहाँ पर मनफी नहीं हो सकती बच्चों। इसलिए क्या लेंगे, तादाद मनफी नहीं हो सकती, इसलिए बर्तनों की तादाद एक्स बराबर 6। ये हो गया हमारा जवाब जो उसने हमको पूछा था कि बर्तनों की तादाद मालूम कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये दो सवाल थे, ये दोनों सवाल आपको बआसानी समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो एक बार और वीडियो को देखिए, और जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे उसको करने की प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका जो जवाबात है और प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी बना देंगे, आपको सवाल हल करने में बहुत मदद मिलेगी। उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए। जज़ाकअल्लाह तआला खैर।